बीसीसीआई ने घोषित किया ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा। 20 सितंबर से शुरू होगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। विश्व कप 2023 से पहले बदल जाएगी पूरी भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आखिरकार ऑस्ट्रेलिया टीम का भारतीय दौरे का ऐलान कर दिया है। इस दौरान भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारतीय जमीन पर 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने जा रही है। यह श्रृंखला विश्व कप से पहले खेली जाएगी। तो आखिरकार भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया टीम यह श्रृंखला कब से खेलने वाली है, इसके सभी महामुकाबले कितने बजे शुरू होंगे, अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के वनडे इंटरनेशनल में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, इस सीरीज के लिए खतरनाक भारतीय स्क्वाड किस तरीके की दिखाई देने वाली है और बहुत कुछ इस श्रृंखला से रिलेटेड जो कि आपको जानना जरूरी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या विश्व कप से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पर कुचल पाएगी या नहीं, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार श्रृंखला खेल रही है, जहां 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला और 5 मैचों की T20 श्रृंखला भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर खेल रही है। इसके बाद भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ शानदार T20 श्रृंखला खेलने वाली है और उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने जा रही है। बीसीसीआई ने इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पहला वनडे महामुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 20 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। भारत समय अनुसार यह महामुकाबला 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए टॉस दोपहर को 1:30 से फेंका जाएगा। इसके अलावा दूसरा वनडे महामुकाबला 23 सितंबर 2023 को खेला जाएगा, इसके लिए भी टॉस 1:30 को फेंका जाएगा, जबकि इसकी शुरुआत दोपहर को 2 बजे से होगी। वहीं पर तीसरा एवं अंतिम वनडे महामुकाबला 26 सितंबर 2023 को खेला जाने वाला है। इस वनडे श्रृंखला का यह महामुकाबला भारत समय अनुसार दोपहर को 2 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 1:30 को फेंका जाएगा। वहीं पर यह वनडे महामुकाबले भारतीय टीम के उन मैदानों पर खेले जाने वाले हैं जहां पर विश्व कप 2023 के महामुकाबले नहीं खेले जा रहे हैं, यानी कि यह महामुकाबले नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड मोहाली में खेले जाने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाले इस वनडे श्रृंखला के लिए भारतीय स्क्वाड की, तो उससे पहले हम वनडे इंटरनेशनल के रिकॉर्ड समझ लेते हैं, जहां पर अब तक वनडे इंटरनेशनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुल 140 महामुकाबले खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 54 महामुकाबले जीते हैं। वहीं पर 82 महामुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को पटकने दी है। इसके अलावा बात करें तो 10 महामुकाबले बिना रिजल्ट के रहे। वहीं पर 30 महामुकाबले भारतीय सरजमीन ने अपने देश में जीते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में 38 महामुकाबले जीते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम के खिलाफ घातक नजर आ रहा है। वहीं पर आपको बता दें, विश्व कप 2023 की फाइनल तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए फाइनल टीम को खिलाया जाने वाला है, जिसमें कप्तानी फिर से रोहित शर्मा और उपकप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को आजमाया जा रहा है, जहां बीसीसीआई ने घातक स्क्वाड का ऐलान करते हुए सबको हैरान कर दिया है। जहां पर इस वनडे श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, के एल राहुल, ईशान किशन के तौर पर 4 घातक ओपनर खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाने वाली है। जहां रोहित शर्मा तो कप्तानी के तौर पर तूफान मचाते हुए नजर आएंगे और उनकी तूफानी बल्लेबाजी वनडे इंटरनेशनल में कैसी रहती है, आप उनके द्वारा शतकों से समझ सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल साल 2023 में तूफानी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, उनका रिकॉर्ड आईपीएल में भी शानदार रहा है। इसके अलावा के एल राहुल लगातार फ्लॉप साबित हो रहा है, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। विश्व कप से पहले इस श्रृंखला में उनको आजमाया जा रहा है, जिससे अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो विश्व कप में वह शामिल होंगे। इसके अलावा ईशान किशन को बतौर विकेटकीपर, बल्लेबाज और ओपनर टीम में जगह दी गई है, तो ऐसे में वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो विश्व कप के लिए भी शामिल होने जा सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में बात करें, भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या के तौर पर खतरनाक मिडिल ऑर्डर दिखाई दे रहा है, जहां पर विराट कोहली का तूफान सभी ने देखा है, किसी भी तरीके से किसी भी टीम को कभी भी चकनाचूर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके शानदार रिकॉर्ड रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो वह पीठ की चोट से जूझ रहे हैं और जब तक वह ठीक हो जाएंगे उनकी टीम में वापसी होने जा रही है। इसके अलावा सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम में परमानेंट जगह बना चुके हैं और कभी भी किसी भी टीम को कुचल सकते हैं और भारतीय सरजमीन पर यह तूफान मचाते हैं। संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में शामिल हो रहे हैं और विश्व कप की तैयारियों के लिए इनको इस श्रृंखला में भी आजमाया जाएगा। हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं और बतौर उपकप्तान भारतीय टीम में अपना तूफान मचाते हुए नजर आएंगे और इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को बहुत ताकत मिलती है। इसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव जैसे 4 खतरनाक नाम दिखाई दे रहे हैं। अक्षर पटेल वह खिलाड़ी है जो बैटिंग से तूफान मचा रहे हैं, साथ में शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि मौजूदा समय में सीनियर तो हैं, मगर अपने तूफानी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से युवाओं को पछाड़ रहे हैं और उनके रिकॉर्ड सभी ने देखे हैं। हाल ही समय में वह लगातार मैन ऑफ द मैच बनते हैं। इसके अलावा युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी दिखाई दे रही है, जहां युजवेंद्र चहल के लेग स्पिन का तूफान सभी देखने वाले हैं,
जो कि ऑस्ट्रेलिया को चकनाचूर कर सकता है। वहीं पर कुलदीप यादव को जब जब मौके मिले हैं उन्होंने टीम में अपना भरोसा दिखाया है और तूफान से सभी टीम के परखच चौड़ा दिए। तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में 4 तूफानी गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जहाँ पर शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। जहाँ पर शार्दुल ठाकुर बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं, उनकी शानदार गेंदबाजी के अलावा अहम मौकों पर बल्लेबाजी भी भारतीय टीम में अहम योगदान प्रदान करती है। जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण से बाहर है और लगातार हुआ है टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं, और मगर विश्व कप तक वह बिल्कुल फिट हो सकते हैं और ऐसे में एनसीए में उनकी प्रैक्टिस जारी हो चुकी है, तो इस सीरीज में वह हाथ आजमाने वाले हैं। अगर उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है तो विश्व कप में तूफान वह मचा देंगे। जबकि मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार भारतीय टीम में जगह बना चुके हैं, और मोहम्मद सिराज तो भारतीय टीम की तरफ से नंबर 1 वनडे इंटरनेशनल मौजूदा समय में गेंदबाज हैं, जो कि किसी भी टीम के खिलाफ तूफान मचा सकते हैं। जबकि मोहम्मद शमी के अनुभव ऐसा है कि उन्हें जब वापसी किया साल 2023 में, चाहे वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो और उसके बाद खेली गई आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड रहा हो, तो इस साल उनके इनाम गया है पर्पल कैप। जैसे में वह किसी भी टीम को कभी भी चकनाचूर कर सकते हैं। यह तो भारतीय टीम की वह 17 सदस्यीय टीम है जो कि इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजर आने वाली है। तो क्या भारतीय टीम अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से कुचल सकती है या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।